लेकिन हमारे लोग, हमारे कुछ पुलिस वाले, कुछ हमारे मजदूर, पुलिस वाला गरीब, उसने कहा अल्लाह के लिए, पुलिस के अफसर, अल्लाह के लिए मुझे एक महीने की छुट्टी दे दो, जा करके या गाजी बनूंगा या शहीद बनाऊंगा, या शहीद बनूंगा। तारीख इन बातों को नोट करती है, तारीख इन बातों को नोट करती है। आपकी हुकूमत ने, सिंध की हुकूमत ने उसकी नौकरी खत्म कर दी। सिंध की हुकूमत ने, सिंध के वजीर आला, गवर्नर, इन लोगों ने उसकी हुकूमत, उसकी नौकरी खत्म कर दी। 15 साल की उसकी नौकरी है, 20 साल की उसकी नौकरी है, रोजगार उसकी खत्म कर दी कि तुमने क्या बकवास किया है कि मैं फलस्तीनियों के साथ जाकर के जिहाद करूंगा। जब आपके यहां आप इस तरीके पर, जब उन मजलूमों के साथ आपका तआवुन यह है, आपका तआवुन है, आज फलस्तीनियों की फरियाद है, हमारे इदारे भी, सब की बात नहीं कर रहा, मुस्लिम ममालिक, खुदा जाने मुस्लिम किसको कहते हैं, खुदा जाने मोमिन किसको कहते हैं, मुस्लिम और मोमिन किसको कहते हैं, तावन भी नहीं करते, रास्ते भी नहीं देते। मैं अपने इन तलबा पे कुर्बान जाऊं, दौरे में उनकी चेहरों को देखता हूं, 500-600 लड़के मेरे साथ दौरे में आखिरी क्लास में मैं पढ़ाता हूँ, उससे पहले मौकूफे में पढ़ाता हूँ। जब इस किस्म की बात होती है अपने तलबा, तो उनके रंग, अभी 2 दिन पहले मेरा बयान हो गया तो तलबा धाड़े मार करके रो रहे थे। जी हाँ, हर बंदे का दिल जला हुआ कि रब्बा हमें रास्ता मिल जाए, रास्ता में किसी तरह मिल जाए। हर तरफ से बेईमान किस्म के मुसलमान, बेईमान किस्म के मुसलमान, मिस्र जैसे फराड़ी, इस किस्म के अल्लाह का भला करे दुबई और इस किस्म के दीगर ममालिक, और जो बराह रास्त खुदा जाने न रास्ता दे किसी को, न तआवुन करे उनके साथ। और फिर वो जो बाइडन ये कहता है, जो बाइडन ये कहता कि यहूदियों का कोई ठिकाना नहीं, अफगानिस्तान वाले भागे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान भाग करके ईरान में गए, अफगानिस्तान वाले भाग करके दुबई गए, अफगानिस्तान वाले भाग करके कतर गए, और यहूदियों का कोई ठिकाना नहीं है, लिहाजा यहूदियों को सबसे पहले मैं सपोर्ट करूँगा। जो बाइडन कहता है यहूदियों का कोई ठिकाना नहीं, यही फलस्तीन, यही शाम, यही उनका ठिकाना है, मैं उनको हर तरह से सपोर्ट करूंगा।